चलिए रुक करें खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में जमकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के न्याय योजना पर तीखा तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि जो 50 साल में गरीबों का खाता नहीं खुलवा सके वो पैसे क्या डालेंगे। हम सेट की बात करते हैं तो वे थिएटर सेट की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। कहीं उम्मीदवारों का ऐलान तो कहीं सीटों पर माथापच्ची चल रही है। हर पार्टी चुनावी तैयारी में जुटने के लिए कमर कस रही है और अपने अपने दिग्गज नेताओं और लोकप्रिय चेहरों को प्रचार के लिए मैदान में उतार रही है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने भी अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे और प्रधानमंत्री मोदी को यूपी में प्रचार के लिए मैदान में उतारा है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में जमकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय योजना पर तीखा तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि जो 50 साल में गरीबों का खाता नहीं खुलवा सके वो पैसे क्या डालेंगे। हम एसेट की बात करते हैं तो वो थिएटर सेट की बात करते हैं। मैं बैंक खाते खुलवाता था, ये बड़े बुद्धिमान लोग भाषण करते थे कि देश में बैंकें नहीं है, गांव का आदमी क्या करेगा, ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे। और आज वही कह रहे हैं जो लोग, अरे गरीबों का बैंक का खाता 70 साल तक नहीं खुलवा पाए वो कहते हैं तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे। कोई भरोसा करेगा क्या? अरे जो खाता नहीं खुलवा सकता है वो खाते में डाल सकता है क्या? इस दौरान मोदी एसेट परीक्षण पर खुद की पीठ थपथपाते हुए भी नजर आए जब उन्होंने कहा कि जमीन हो, आसमान हो या फिर अंतरिक्ष, सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इसी चौकीदार की सरकार ने दिखाया है। हमने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर लाइव सैटेलाइट को अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से मार गिराया। सरकार फैसले टालती रही, विमान हादसे होते रहे, उनकी सरकार फैसले को टालती रही। हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे, उनकी सरकार इस फैसले को भी टालती रही। आतंकी हमले में, नक्सली हमलों में हमारे जवान शहीद होते रहे, उनकी सरकार फैसले को टालती रही। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने की परीक्षण की मांग कर रहे थे, उनकी सरकार ने ये फैसला भी टाल दिया। अपने भाषण के दौरान मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमले बोले और राहुल गांधी के उस तंज का भी जवाब दिया, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी को विश्व थिएटर दिवस पर बधाई दी थी। राहुल के तंज का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया कि अंतरिक्ष में हुआ क्या है और जब हम ए सेट की बात कर रहे थे तब वो थिएटर सेट की बात कर रही थी। लोग ऐसे हैं, जब कल मैं ए सेट की बात करता था तो कंफ्यूज हो गए, समझे कि मैं थिएटर के सेट की बात कर रहा हूं। हम ऐसे बुद्धिमान लोगों पर रोए हैं, हंसे, जिनको थिएटर का सेट और अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिशन ए सेट का समझ तक नहीं। दरअसल अंतरिक्ष में भारत द्वारा किए गए इस परीक्षण के बाद से ही विपक्ष मोदी पर वैज्ञानिकों की मेहनत का श्रेय लेने का आरोप लगा रहा है और लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया और पीएम की भाषण की कॉपी भी मांगी। बता दें कि मेरठ के बाद मोदी की दूसरी रैली उत्तराखंड के रुद्रपुर और तीसरी रैली जम्मू के अखनूर ब्रिज के पास होगी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में अपने धुरंधरों को उतार चुकी हैं। प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है। राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर चुनावी रैलियों में मतदाता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। रिपोर्ट देखिए।
मेरठ की विजयी संकल्प रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के काम तथा निर्णय के कारण ही आज भारत शीर्ष चार देशों में पहुंच गया है। हर कोई बस भारत की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश को बिजली नहीं मिलती थी, अब बिजली की कोई कमी नहीं है। पहले अपराधियों का बोलबाला था और अवैध कूचड़खानों की भरमार थी, लेकिन अब सारा अवैध काम और सारी गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब शांति का माहौल है। भारत कल ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई महाशक्ति बना है। ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। बीते 56 महीनों में पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है। मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि मोदी है तो सब मुमकिन है। उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश की जनता को इससे पहले बिजली नहीं मिलती थी, सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, लेकिन जब आपने पिछले विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की जनता ने भारतीय गांव हो या शहर, प्रदेश का कोई भी जनपद हो, प्रत्येक जनपद में विद्युत की आपूर्ति अनवरत जहां एक ओर प्रत्येक जनपद और गांव में की जा रही है, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश के अंदर बहन और बेटियों की सुरक्षा के साथ साथ आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पिछले 56 महीनों में सरकार ने वो कर दिखाया जो 56 सालों के इतिहास में नहीं हो सका। जब आतंकियों ने भारत की सेना पर हमला किया तो ये मोदी सरकार ही थी जिसने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों की कमर तोड़ने का काम किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार हमेशा अडिग रही। पीएम मोदी के नेतृत्व में नए दौर का नया भारत बन रहा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा को पूरी दृढ़ता के साथ 3 स्ट्राइक के माध्यम से, 2 सर्जिकल स्ट्राइक और 1 एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की कमर तोड़ करके आतंकवाद का समूल नाश पूरे दुनिया के अंदर भारत की सामरिक ताकत का एहसास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर अपराधी सिर चढ़ करके बोलता था, अवैध बूचड़खानों में यहां के लोगों के गाय भैंस बैल बछड़े इन सब को अनैतिक और अवैध तरीके से काटने का कार्य किया जाता था, पहले ही आने के तत्काल बाद किसानों की कर्ज माफी के बाद अवैध बूचड़खानों को रोकने और अपराधियों के खिलाफ जो सख्ती की कार्रवाई की गई, आज हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में है या राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल चुका है। हर कोई रण को फतेह करने की योजना बना रहा है। हर पार्टी लुभावने वादों के जरिए मतदाताओं का रुख बदलने में लगी है। चुनाव की विसात बीत चुकी है और योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी रण को फतेह करने की होड़ है, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि किस में है कितना दम। नेशनल डेस्क टोटल न्यूज। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के रायबरेली पहुंचते ही एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। तिलक भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय के पास सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए हैं जिस पर लिखा है, रायबरेली में जब जब आई संकट की घड़ी कबो ना महतारी बिटिया दिखाई पड़ी, सेवा के लिए दीन रहे वोट लेकिन प्रियंका सोनिया कहिन के दिल पर चोट, फिरोज की नातिन रेहान की माई चुनाव में मंदिर मंदिर परे दिखाई। फिलहाल शहर में प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में लगे पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा भूएमओ गेस्ट हाउस में प्रतिनिधिमंडल और अपने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। अमरीश कुमार हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमरीश, आमतौर पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और तिलक भवन कलेक्ट्रेट के पास ही ये कचहरी के पास ही ये पोस्टर लगे हुए, तो क्या लगता है क्या कुछ वहां पोस्टर किन जो संगठनों के द्वारा लगाया गया ये पोस्टर, क्या कुछ हम सामने खुलासा हुआ? ये बता रहे तो पोस्टर आज लगे देखे गए थे सुबह, जिनकी बाकायदे लिखा गया था कि सोनिया और उनकी माँ
जो है जो पोस्टर नहीं पहुँचती हैं और मंदिर मंदिर करती हैं, इस तरह के पोस्टर ये सब लगे हुए हैं। ये पोस्टर वायरस से पहले भी जब ये तो गाय है उसके पहले भी पोस्टर लगे हैं तो, लेकिन उसमें नाम लिखा हुआ था कि कौन से संगठन विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो आज पोस्टर लगे हुए हैं उसमें किसी संगठन का नाम नहीं लिखा, ना ही पार्टी का नाम लिखा हुआ है। पोस्टर में केवल लिखा हुआ है बस, तो केवल ये विरोध लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसको देखते हुए लगता है कि विरोध तो कर रहे हैं लोग, लेकिन खुल के सामने समझ में नहीं आ रहा है। नहीं अमरीश, साफ तौर पर देखा जाए तो क्या चुनावी रणनीति जो रायबरेली की कह रही है, साफ तौर पर देखा जाए अभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, दो तीन उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा चल रही, तो कौन लग रहा है कि कौन हो सकता है उम्मीदवार इस बार? अमरीश आवाज मिल पा रही आपको? अमरीश आवाज मिल पा रही आपको? देश में हो रहे लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने आप को जनता के बीच मजबूती से पेश कर रही हैं। घोषणा पत्र में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के लुभावने वादे किए जा रहे हैं। तो एक कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता राहुल गांधी ने भी लोगों को 72,000 रुपए देने के धमाकेदार वादा कर डाला। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सचान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता से वादा किया, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है जिसकी वार्षिक आय 12,000 रुपए प्रति माह से कम है, उसको सरकार की तरफ से 12,000 रुपए प्रति माह पूरा किया जाएगा, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये पैसा घर की महिला मुखिया के खाते में दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार जो भी वादे करती है उसको पूरा करती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करती। तो ये तो झूठ भरे को की सरकार रही है, इन्होंने जो कहा वो एको किया नहीं, और राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिन्होंने कहा है वो किया है। 2009 में भी कर्जा माफ किया था कांग्रेस ने, तो 100% लोगों का कर्जा माफ हुआ था, लगभग एक गांव में 30% लोगों का कर्जा माफ हुआ था 100%। अभी योगी जी ने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, कितने छन्ने लगाए उन्होंने कि किसी का 10,000, किसी का 5,000, किसी का 3,000, तमाम मीडिया के लोगों ने छापा, 500 तक कर्जे माफ हुए, जो असली ऋण था वो माफ नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियां दूसरी पार्टी विरोधियों पर आरोप लगा रही हैं और जमकर जुबानी हमला कर रही हैं। भोपाल में आज दिग्विजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। दिग्विजय सिंह का मोदी पर हमला क्या रहा, ये आपको दिखाते हैं। डीमोनेटाइजेशन कहा था कि चार उद्देश्य हैं, कालाधन समाप्त हो जाएगा, नहीं हुआ, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नहीं हुआ, फेक करेंसी खत्म हो जाएगी, उल्टा फेक करेंसी लीगल करेंसी बन गई, जितने नोट निकले थे उससे ज्यादा नोट आ गए, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। आज देश में करेंसी की संख्या 2016 के नोटबंदी के से ज्यादा करेंसी आज मार्केट में है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं लेकिन कहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से करेंसी समाप्त नहीं हुई, कैश खत्म नहीं हुआ। यही विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने रिपोर्ट दी थी कि 24 लाख करोड़ कालाधन विदेशों में है, जिसके अध्यक्ष अजीत डोवाल जी आजकल एनएसए हैं। उनकी रिपोर्ट थी कि 24 लाख करोड़ काला धन विदेशों से आएगा, काला धन तो आया नहीं, भारत का पैसा बाहर चला गया। उनके मित्र उद्योगपतियों ने, चाहे नीरव भाई हो, चाहे मेहुल भाई हो, चाहे विजय भाई हो, भारत के गरीबों का जमा हुआ बैंकों में पैसा हजारों करोड़ रुपए लिया, विदेशों में लेके भाग गए और वहां सैकड़ों करोड़ के, हजारों करोड़ का मकान खरीद लिया।
ये सब बातें आज उजागर होती जा रही हैं। राफेल का तो आपको मालूम ही है, कौन ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हुआ है जिसने कि इतना बड़ा घोटाला करने के बावजूद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुवार को सुरक्षा बलों ने सोपिया और हंदवाड़ा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया है। 3 आतंकी दक्षिण कश्मीर के शोपिया में जबकि 2 आतंकी हंदवाड़ा में मारे गए। दोनों जगहों पर सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया और हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में 3 जबकि 2 आतंकी हंदवाड़ा में मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक शोपिया में मारे गए सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। गौरतलब है कि सुरक्षा बल बड़ी सफलता हासिल करते हुए इस साल अब तक कुल 65 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 44 था। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को शोपिया के यरवन जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी जिसके बाद यहां आतंकवादी विरोधी अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि शोपिया में अभी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, इस वजह से कार्यवाही अब भी जारी है। दक्षिणी शोपिया में बुधवार देर रात से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने केलार इलाके को घेर लिया था। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ के चलते प्रशासन ने हंदवाड़ा के डिग्री कॉलेज के साथ साथ सभी स्कूलों में गुरुवार की छुट्टी की घोषणा कर दी है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गयी है।